26 जनवरी पर भाषण, रिपब्लिक डे। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम यहाँ भारत का 75वां गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। ऐसे में तब तक एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाया गया। 26 जनवरी 1950 में भारत देश ने अपना संविधान लागू किया। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। हमें हमेशा अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उन सब शूरवीरों को आज हम दिल से याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। आज़ादी के सालों बाद आज भी हमारे देश के वीर जवान हथेली पर अपनी जान लेकर सीमा पर शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को वे सदा तैयार रहते हैं। हम भारतवासी उनको सलाम करते हैं। यह गणतंत्र दिवस हमें एकता, समानता और शांति का संदेश देता है। हमारे मन में देश प्रेम जागृत करता है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे भारत देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। हम देश की उन्नति के लिए सदा प्रयास करेंगे और भारत को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।